यूँ तो YouTube चैनल बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, परंतु कुछ ऐसी सेटिंग्स भी है जिनको करना इतना ज़रूरी है कि अगर आप उन सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका YouTube चैनल ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपने YouTube चैनल पे 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को भी अप्लाई करना ज़रूरी है। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले वीडियोस भी YouTube से रिलेटेड ही होंगे कि YouTube पे कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे व्यूज़ बढ़ाए जा सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। YouTube.com हमने खोल लिया है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास YouTube अकाउंट नहीं है या गूगल अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके बना सकते हैं। मेरे पास है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, और ये साइन इन हो चुका है और मेरी फ़ोटो आप देख सकते हैं कॉर्नर पे। ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, स्विच अकाउंट पे क्लिक करूँगा और मैं नीचे जाके क्लिक करूँगा व्यू ऑल चैनल्स पे। व्यू ऑल चैनल्स खुलते साथ ही क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने नए चैनल का नाम दूँगा। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करूँगा, क्रिएट करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ। टी कैपिटल में करके एन कैपिटल में करके क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं कि नए यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नहीं है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करता हूँ, लिखा आ रहा है वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखेंगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको भरना ज़रूरी है जब आप चैनल बना रहे हैं, तो आपका चैनल किस बारे में, ये बारे में तो पता तो होना चाहिए। तो ये चैनल जैसे मान लीजिए मैंने टेक के लिए बनाया है, तो मैंने लिख दिया था टेक, दिस चैनल इज़ फॉर टेक वीडियोज़। लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपना लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। मैं नहीं करना चाहता हूं तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं भी करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं या ना करें। ये आपकी यूट्यूब की चैनल URL है, और लिंक्स में आप देख सकते हैं कि जैसे आप अपनी सोशल मीडिया के लिंक्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम या उसकी लिंक या वेबसाइट की लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं लगा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फो में ईमेल आईडी आप भर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, मान लीजिए ब्रांड्स के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहता है या किसी और रीज़न से, तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं और पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने पब्लिश पे क्लिक किया और अभी ब्रांडिंग पे देख लेता हूँ मैं। जैसे ही ब्रांडिंग पे गए तो देखा पिक्चर का ऑप्शन है, बैनर इमेज का ऑप्शन है, तो आप इसको पढ़िए और अपने अनुसार अपनी पिक्चर और बैनर इमेज को फिल कर दीजिए। ठीक है, 4 MB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए फाइल का, और PNG या GIF भर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो वाटरमार्क भी है जो आप देख सकते हैं, तो 150x150 पिक्सल में कर सकते हैं, तो ये भी आप बाद में कर सकते हैं। लेआउट देख लेता हूँ, लेआउट में भी कई ऑप्शन है, उसको एज इट इज़ रहना चाहें तो आप रहने दे सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो फीचर्ड सेक्शंस भी हैं, लिखा है कस्टमाइज द लेआउट योर चैनल होम पेज। इसके अलावा मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, अगर आप मोनेटाइजेशन पे जाते हैं, डेफिनेटली आप आए हैं लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा जब तक आप लोकेशन नहीं बताएंगे, तो ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो करना मैंडेटरी है, और एल्स आप कितने ही व्यूअर्स ले आएँ, कितने ही वॉच टाइम गेन कर लें, कितने ही आप सब्सक्राइबर बना लें, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो चलिए अपडेट लोकेशन पे क्लिक करके अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस, डेफिनेटली मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया लोकेशन फिल कर देता हूँ। इसके साथ ही कुछ कीवर्ड्स पे ऐड करता हूँ जो टैग्स भी कह सकते हो आप। डेफिनेटली मेरा जो चैनल है वो टेक से रिलेटेड है, तो मैं टेक्निकल या टेक रिलेटेड कीवर्ड्स ही फिल करूँगा इसमें, जैसे मोबाइल हो गया या हाउ टू से रिलेटेड हो गया, तो ये सब कीवर्ड्स मैं ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो 500 कीवर्ड्स तक ऐड कर सकते हैं या 500 वर्ड्स के या अल्फ़ाबेट्स के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं
कि ये रिक्वायरमेंट है मोनेटाइजेशन के लिए, ये कवर करनी होगी। टू स्टेप वेरिफिकेशन भी आप इनेबल कर सकते हैं, और नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल पे क्लिक करके आपको ईमेल मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं वापस मैं आ गया हूँ लेआउट सेक्शन पे, फीचर्ड सेक्शंस पे, शॉर्ट्स, अपलोड्स, और मैं चाहूँ तो पॉपुलर अपलोड्स को सबसे ऊपर ले जाके ऐड कर देता हूँ। जब भी कोई मेरे चैनल पे आएगा तो वो पॉपुलर वीडियोस या पॉपुलर अपलोड्स को देखेगा। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस भी, अपलोड्स जो नॉर्मल अपलोड्स वीडियो आते हैं, और भी चीज़ें हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ, लाइव स्ट्रीम, लाइव नाउ, सिंगल प्लेलिस्ट या सब्सक्रिप्शन, फीचर चैनल्स, और भी चीज़ें हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट होता है वैसे कर सकते हैं। चलिए तो पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। व्यू चैनल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं अभी हमारा चैनल कैसा दिखता है। देखिए अबाउट सेक्शन पे मैं गया हूँ, और अबाउट सेक्शन में आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है, लोकेशन भी बता रहा है, और मैंने कब ज्वाइन किया है वो भी बता रहा है, 13th of October 2022 को। इसके अलावा कोई वीडियो अभी अपलोड नहीं है फिलहाल, प्लेलिस्ट खाली है, चैनल्स कुछ भी नहीं है। होम पे आ जाते हैं, मैनेज वीडियोस पे क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितने सारे ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। अब मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, तो ये भी एक थर्ड ऑप्शन है, थर्ड सेटिंग है जो आपको करना चाहिए अगर आप इंडिया से हो, या आप जिस कंट्री से भी हो तो आप कर सकते हैं। तो आप INR पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस भी पोस्ट करते हैं जो किड्स के लिए हैं या किड्स के लिए नहीं है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन सिलेक्टेड है, आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, इसी को सिलेक्ट रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वीडियो किड्स के लिए है या नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अभी फीचर एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स आपको मिल चुके हैं, आप पहले ही इनेबल कर लिए हो। इंटरमीडिएट फीचर्स भी होते हैं जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, जैसे कि वीडियोस 15 मिनट से ज़्यादा के जो हैं उनको अपलोड कर सकते हैं, कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन एलिजिबल हैं और कर सकते हैं। उसके लिए हमको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। ये फ़ोन नंबर भी आप वेरीफाई बाद में कर सकते हैं, अभी मैं करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ईजी है, जस्ट पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल पे OTP आएगा और उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड फीचर्स, इंक्रीज डेली वीडियो अपलोड्स एंड लाइव स्ट्रीम्स एंड एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। जी हाँ, अगर आप YouTube पे पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन को भी इनेबल करना होगा। आप लास्ट में पढ़ सकते हैं एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। तो इसके इस फीचर के एक्सेस के लिए आपको अपनी वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ ऐसा देना पड़ सकता है, या वीडियो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि यूजर वैलिड आईडी में पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी दिखाई, पासपोर्ट भी मांगा गया था। तो एक्सेस फीचर्स आप कर देंगे और जब भी वो वेरीफाई होगा तो वो आपकी डिटेल्स को यूट्यूब ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे, वो आपकी किसी भी डिटेल को स्टोर नहीं करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा। अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर या लैपटॉप पे बना के दिखाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र पे जाके youtube.com खोल के सेम एज इट इज़ प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे आएंगे तो आपको गेट द ऐप का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन है उसको जाके आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या वो आपको लिंक दे देगा तो आप वहाँ से करके आगे जा सकते हैं। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप चाहें तो ब्राउज़र पे जाइए, या आप चाहिए तो ऐप में जाइए, तो यूट्यूब ऐप पे जा सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं।